तखलीक। हर चीज पैदा होई कायनात और उस मां हर चीज खुदा ने छे दिन मां पैदा करी। जिस कड़ी खुदा ने जमी पैदा करी ते अंधेरो और चुप थो और कुछ भी वजूद मां ना होयो थो। लेकिन खुदा की पाक रू उत पानी वर मौजूद थी। लो हो जय और उत लो होगी। खुदा ने देखो कि लो असल है और उस ना दिन क्यों उसनी पैदाइश तू जुदा करी और उस कड़ी खुदा ने उस ना रात क्यों खुदा ने पैदाइश तू पहला लो बनाई। पैदाइश के दूजे दिन खुदा ने क्योंकि जमी गै ऊपर आसमान वे और उस रा होयो खुदा ने बुनगा पानी ना ऊपर गा पानी तू जुदा कर के आसमान बनायो। तीजे दिन खुदा ने पानी ना खुशक जमी तू जुदा कियो। उसने खुशकी ना जमी और पानी ना समुद्र क्यों खुदा ने देखो कि जड़ो कुछ उसने बनायो वो असल है। फिर खुदा ने क्यों कि जमी हर तरह का बूटा और दरख्त पैदा करे और इसरा होयो। खुदा ने देखो कि जड़ो कुछ इसने बनायो वो असल है। पैदाइश के चौथे दिन खुदा ने दी चन और तारा बनाया। खुदा ने उन्ना जमीन ना रोशन करन गए वास्ते बनायो और दिन और रात मौसम और सालांगी निशुंगी ई के वास्ते बनायो। खुदा ने देखो कि जड़ो कुछ उसने बनायो वो असल है। पंजवें दिन खुदा ने सारा परिंदा और पानी मंडरान आला हर तरह का जानवर बनाया। खुदा ने देखो कि वो असल है और उन्होंने बरकत दीती। पैदाइश के छेवें दिन खुदा ने क्योंकि हर किस्म की खुशकी का जानवर हां इसरा होयो। जिसरा खुदा ने क्यों थो कुछ खेती बाड़ी करन गए वास्ते जानवर था। कुछ रींगण आला और कुछ जंगली था और खुदा ने देखो कि वो असल है। फिर खुदा ने क्यों आओ हम इंसान ना अपनी सूरत वर बनावा कि वे मारे हरू भी और जिस ना सारे रोए जमीन वर और सारा जानवर उन वर हुकूमत करेगा। ते खुदा ने कुछ मिट्टी ली और उसको इंसान बनायो और उसके अंदर जिंदगी को दम फूक्यो। इस आदमी को ना आदम रखियो। खुदा ने हजरत आदम के रहन के वास्ते एक बाग लायो और उस बाग की निगरानी के वास्ते रखियो। बाग है पंजवें खुदा ने दूजा खास किस्म का बूटा जमाया। जिंदगी गो बूटो और नेकी व बदी की पहचान गो बूटो। खुदा ने हजरत आदम ना क्योंकि वो नेकी व बदी पहचान गो बूटा के अलावा बाग गो हर बूटा को फल खा सका। और अगर उन्होंने इस बूटा तू खादो ते वे मर जीगा। फिर खुदा ने क्यों आदम को एकलो रहन असल नी क्योंकि खुदा भी जानवर हजरत आदम का मददगार नी थो। पास खुदा हजरत आदम ना गी नींद सलाह दितो। फिर खुदा ने
हजरत आदम की एक पसली कड़ी और उस तू औरत बनाई और उस औरत ना उनके कोले ले गया। जिस कड़ी आदम ने उस ना देखो ते क्यों जो ते बिल्कुल मेरा हरू है इस ना नारी कियो जे क्योंकि वो नर तू निकल गी है। इस वास्ते आदमी अपनी माँ और बाप ना छोड़ तो है और अपनी बीवी के नाल मिल के एक हो जीगा। खुदा ने मुर्दा और औरत ना अपनी सूरत बनायो उसनी उन्ना बरक दिती और क्यों खासा सारा बेटा और बेटियां पोते पोतियां आला औलाद पैदा करो और जमी गो मामूर कर दो। और खुदा ने देखो कि हर चीज जड़ी उसने बनाई खासी असल थी और वो उन सब तू खासो खुश थो। यूसुफ कुछ पैदाइश के छेवे दिन होयो जिस कड़ी सत मुंह दिन होयो तै खुदा अपना कम मुमकिन कर चुको थो। तै खुदा नी उन सारा कमा तू फारक हो के आराम कियो उसने सता दिना ना मुबारक कियो और पाक ठहरायो क्योंकि इस दिन उसने अपना काम तू फारक हो के आराम कियो। इसरा खुदा ने कायनात और उसकी हर चीज ना पैदा कियो। पैदाइश की किताब के दो एक तू ले के बाइबल की एक कहानी।